हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 4 को। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि तांजिरो ने उजुई की ट्रेनिंग कम्प्लीट कर ली थी और अब वो मिस्ट हाशिरा मुइचिरो की ट्रेनिंग के लिए उसके मेंशन में आता है। वो जैसे ही गेट खोलता है तो देखता है कि मुइचिरो तो उजुई से भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा था। सारे स्लेयर्स जमीन पर पड़े हुए थे। एक स्लेयर मुइचिरो से बुरी तरह हार जाता है और मुइचिरो उससे कहता है कि अगर ये असली की लड़ाई होती तो तुम अब तक 3 बार मर गए होते। मुइचिरो अब सभी को खड़े होने को बोलता है और फिर से एक एक वार में ही सबको हरा देता है। वो कहता है कि चाहे तुम्हारे साथ वाला कोई मर भी जाए, तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुम भी मारे जाओगे। तभी मुइचिरो की नजर तांजिरो पर जाती है और वो उसे देखते ही काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि वो तांजिरो का ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है जिसमें मुइचिरो की कासुगाई क्रो स्लेयर्स को कोसने लगती है। वो पहले की तरह ही बदतमीज थी और स्लेयर्स उससे काफी परेशान थे। मुइचिरो फिर तांजिरो को लेकर एक वर्कशॉप में जाता है जिसके अंदर हम कानामोरी को देखते हैं जो कि मुइचिरो का स्वॉर्डस्मिथ है। कानामोरी तांजिरो को सही सलामत देख काफी खुश होता है। कानामोरी को यहाँ पर मुइचिरो ने ही बुलाया था। मुइचिरो फिर यहाँ रखी एक तलवार को उठाकर तांजिरो को देता है और सीधा पकड़ने को बोलता है। इसके बाद मुइचिरो एक पेपर एयरप्लेन बनाकर उस तलवार की तरफ उड़ाता है। तलवार को छूते ही उस पेपर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि ये तलवार बहुत ही ज्यादा शार्प थी। मुइचिरो कहता है कि उसने इसीलिए कानामोरी को यहाँ पर बुलवा लिया है ताकि वो हमेशा मुइचिरो की तलवारों में धार करता रहे। आने वाले बैटल के लिए मुइचिरो को अपनी तलवारें बेस्ट कंडीशन में चाहिए होंगी। उसने ये बात मास्टर को बताई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा करो, वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। काश वो अपनी सेहत का भी उतना ही ध्यान रखें और जल्दी ठीक हो जाएं। इसके बाद मुइचिरो फिर से स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करने लगता है जिसमें उनकी हालत खराब हो रही थी। मुइचिरो उन्हें सोच समझ कर अटैक करने को कहता है क्योंकि असली लड़ाई में बार बार मौके नहीं मिलते। अगर वो 9 बार जीत कर 1 बार भी हार गए तो वो उनकी जिंदगी गवा देंगे, तो उन्हें अपने हर एक मूव को तराशना होगा। मुइचिरो आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म कर देता है। एक स्लेयर तांजिरो से कहता है कि वो मुइचिरो को समझाता क्यों नहीं कि हमारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आए, जिस पर तांजिरो कहता है कि मुइचिरो तो उनसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि वो अकेले ही इतने सारे स्लेयर्स को ट्रेनिंग देता है। स्लेयर्स उसकी बात समझ जाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें मुइचिरो के बोलने का तरीका थोड़ा कड़वा लगता है, जिस पर तांजिरो कहता है कि शुक्र मनाओ कि पहले के मुकाबले तो मुइचिरो काफी मीठा बोलने लगा है। इसके बाद तांजिरो देखता है कि मुइचिरो कहीं बाहर जा रहा था। स्लेयर्स उसे बताते हैं कि मुइचिरो हर रोज रात को कहीं पर जाता है। इधर रात के समय टाउन में हम फिर से उसी डीमन की आंख को देखते हैं, लेकिन ये अब एक नहीं बल्कि 2 थीं। फिर सीन जब गली के अंदर जाता है तो हम देख पाते हैं कि ये आंखें 1-2 नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में थीं। ये सभी नाकीमे नाम की डीमन के पास से निकल रही थी जो कि इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है, क्योंकि अब हांटेनगु मर चुका है तो नाकीमे अपर रैंक 4 की डीमन बन गई है। नाकीमे अपनी आंखों के जरिए मुइचिरो पर नजर रखे हुए थी। दूसरी तरफ हम सानेमी और ओबानाई को देखते हैं जो कि आपस में लड़कर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है और ओबानाई 5th फॉर्म, पर ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी मुइचिरो भी यहाँ आ जाता है और कहता है कि वो भी इनकी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता है। सानेमी कहता है कि तुम रोज रात को यहाँ पर आते हो, तुम्हारी दिन वाली ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रही क्या? मुइचिरो कहता है कि दिन वाली ट्रेनिंग बाकी मेंबर्स के लिए काफी होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। सानेमी कहता है कि सही कहा, हमारे लिए तो यही असली हाशिरा ट्रेनिंग है। ओबानाई बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे आने की खुशी में सानेमी और मैं साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। मुइचिरो तैयार हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि 1 के खिलाफ 2 बड़ी नाइंसाफी है। मुइचिरो फिर दोनों पर अटैक कर देता है और वो इतना तेज होता है कि शुरू में तो ओबानाई और सानेमी उसके अटैक्स देख ही नहीं पाते और इस फाइट का एनिमेशन भी बिल्कुल टॉप क्वालिटी का होता है। मुइचिरो की कासुगाई ऊपर बैठकर चिल्लाती है कि इन दोनों को धूल चटा दो, तुम ही सबसे बेस्ट हो। काफी देर लड़ने के बाद तीनों एक जगह बैठ जाते हैं। सानेमी कहता है कि आज की ट्रेनिंग तो काफी हार्ड थी, दिन में मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग और रात में तुम लोगों के साथ असली फाइट करके मजा आ जाता है। ओबानाई मुइचिरो से पूछता है कि उसकी आज की ट्रेनिंग कैसी थी, जिस पर मुइचिरो बताता
बताता है कि आज तांजिरो उसके पास आया है। उसके ज्यादातर घाव भर चुके हैं। जब तक वो ओबनाई के यहाँ पहुँचेगा तब तक वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका होगा। ओबनाई कहता है कि अच्छा है, फिर तो मैं उसे पूरी ताकत से ट्रेन कर पाऊंगा। सानेमी बोलता है कि भले ही वो अब थोड़ा स्ट्रांग हो गया हो, लेकिन मैं उसे दिखाऊंगा कि एक हाशिरा के सामने वो कुछ नहीं है। ये सुन मुइचिरो तांजिरो के लिए प्रे करता है। अगले दिन मुइचिरो फिर से स्लेयर्स को हरा देता है और कहता है कि लकड़ी की तलवार से शायद तुम्हें डर नहीं लग रहा, चलो अब से असली तलवार यूज करते हैं। मुइचिरो अब स्लेयर्स को असली तलवार पकड़ा देता है और उससे लड़ने को बोलता है, लेकिन सामने वाला स्लेयर असली तलवार देखकर बुरी तरह से डर जाता है। वो जोर जोर से हांफने लगता है और उसका शरीर भी कांप रहा था। आखिर में वो माफी मांगकर नीचे बैठ जाता है और अटैक ही नहीं करता। स्लेयर मुइचिरो से कहता है कि वो उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि मुइचिरो रोज रात को कहीं जाता है और वापिस आता है तो उसके शरीर पर काफी सारी चोटें होती हैं, जिन्हें वो सुबह सुबह पानी से साफ करता है। मुइचिरो कहता है कि तुम सब भी अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उससे जीत हासिल नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग डीमंस के हाथों मारे जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब लंबी जिंदगी जियो। कुछ दिनों बाद तांजिरो की मुइचिरो से फाइट होती है। मुइचिरो उसे काफी कुछ सिखाता है और ये देख उसे काफी खुशी होती है कि तांजिरो पहले से काफी बेहतर और तेज हो गया था। मुइचिरो अब तांजिरो से कहता है कि तुमने सब सीख लिया है, तुम अगले हाशिरा की ट्रेनिंग पर जा सकते हो। ये सुन तांजिरो कहता है कि सच में अभी तो सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं। मुइचिरो कहता है कि तुम वो सब कर रहे हो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। ये सुन बाकी स्लेयर्स बोलते हैं कि हमें तो यहाँ पर 2 हफ्ते हो गए हैं, क्या हम भी अगले हाशिरा के पास जा सकते हैं? अब मुइचिरो फिर से सड़ा सा मुंह बनाकर कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम अभी तक ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। तांजिरो को अब एक आइडिया आता है और वो मुइचिरो को पेपर प्लेन फ्लाइंग कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज करता है। उसे कानामोरी से पता चला था कि मुइचिरो को पेपर प्लेन बनाना बहुत पसंद है। तांजिरो कहता है कि अगर वो जीता तो मुइचिरो को बाकी स्लेयर्स के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। मुइचिरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। अब तांजिरो और मुइचिरो दोनों प्लेन उड़ाने बाहर जाते हैं। ये लोग 10 बार ट्राई करेंगे और उसमें एक बार भी तांजिरो का प्लेन मुइचिरो के प्लेन से आगे निकल जाता है तो तांजिरो गेम जीत जाएगा। मुइचिरो को यकीन था कि तांजिरो एक भी बार नहीं जीतेगा। इसके बाद ये दोनों प्लेन को उड़ाते हैं और पहला राउंड मुइचिरो जीत जाता है। इस तरह ये करीब 10 बार प्लेन उड़ाते हैं और हर बार मुइचिरो का ही प्लेन आगे निकलता है और तांजिरो इस चैलेंज को हार जाता है। तांजिरो को बहुत बुरा लगता है और बाकी स्लेयर्स भी मुइचिरो को चैलेंज करने लगते हैं क्योंकि वो भी प्लेन उड़ाने में माहिर है। इसके बाद सभी अपना पेपर प्लेन बनाने लगते हैं और वो ट्रेनिंग का सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। सभी काफी खुश थे। तांजिरो अपना एक नया प्लेन बनाता है लेकिन उसे मुइचिरो की कासुगाई फाड़ देती है और उससे तांजिरो का कासुगाई लड़ने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग अपने प्लेन्स को एक साथ हवा में उड़ाते हैं। उन्हें उड़ता देख मुइचिरो और बाकी सबको बहुत खुशी होती है। शाम को तांजिरो बात करता है कि मुजान जरूर नेजुको के पीछे पड़ा होगा, इसीलिए उन्हें अब डीमंस देखने नहीं मिलते। मुइचिरो कहता है कि अच्छा है, इससे हम ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तांजिरो कहता है कि वो नेजुको को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे भी ट्रेनिंग पर साथ लाना बहुत खतरे वाला काम होता। मुइचिरो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुजान नेजुको को पकड़ने के लिए डीमंस को इकट्ठा कर रहा हो ताकि वो खुद उन डीमंस के बीच छुप सके। तांजिरो कहता है कि वो और ज्यादा मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनेगा और फिर नेजुको के पास जाएगा। तांजिरो का हमेशा पॉजिटिव रहना मुइचिरो को अच्छा लगता है। तांजिरो कहता है कि उसे नेजुको की चिंता नहीं है क्योंकि उसकी देखभाल एक भरोसेमंद इंसान कर रहा है। हम देखते हैं कि तांजिरो के मास्टर उरुकोडाकी नेजुको की सुरक्षा में बैठे हुए थे। मुइचिरो आखिर में तांजिरो से कहता है कि हम सबको मिलकर मुजान को हराना ही पड़ेगा। इसके बाद तांजिरो लव हाशिरा मित्सुरी के मेंशन में आ जाता है जो कि उसे देख बहुत ज्यादा खुश होती है। तांजिरो देखता है कि यहाँ ढेर सारी मधुमक्खी उड़ रही थी। मित्सुरी बताती है कि वो यहाँ ढेर सारी मधुमक्खियाँ पालती है क्योंकि उसे उनका शहद बहुत अच्छा लगता है। वो उसे ब्रेड पर लगाकर भी खाती है और बटर भी उसे पसंद है। मित्सुरी कहती है कि वो तांजिरो के लिए ब्लैक टी बनाएगी और पैनकेक्स भी। तांजिरो मन में सोचता है कि पैनकेक, बटर,
मुझे तो ब्लैक टी क्या होता है ये भी ठीक से नहीं पता। मित्सुरी तांजिरो का हाथ पकड़कर उसे मेंशन में ले जाने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और इस एपिसोड में भी 90% सीन्स नए थे। प्लेन कॉन्टेस्ट या हाशिरा का रात में ट्रेनिंग करना ये सब आपको मांगा में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ये एपिसोड काफी पसंद आ रहा है और मैं समझ पा रहा हूँ कि हाशिराज और बाकी स्लेयर्स को इतना खुश क्यों दिखाया जा रहा है। खैर इन्हें एंजॉय करने देते हैं क्योंकि कल किसने देखा है। बाकी आई होप कि अगला पूरा एपिसोड मित्सुरी की ट्रेनिंग में ना निकल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।